हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विद आर एन ओनली लर्निंग नथिंग एल्स। प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज के हमारी मुख्य प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फ्रॉम, थ्रू, Toward, around and round। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम। यू ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का पहला कंसेप्ट है कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में सेपरेशन यानी अलगाव, अलग होना, अलगाव स्थान से के भाव, भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। पहला कंसेप्ट है टोन का प्रयोग से के अर्थ में सेपरेशन अलगाव स्थान से के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। ही केम फ्रॉम मुंबई, ही केम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया। दूसरा एग्जाम्पल, द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, साउथ से हवा चली, यानी दक्षिण दिशा से हवा चली, से सेपरेशन का भाव है। इसी प्रकार द फ्रूट्स हैव फैलन फ्रॉम द ट्रीज, द फ्रूट्स हैव फैलन फ्रॉम द ट्रीज। तो यहां सभी फ्रॉम है उनका अर्थ हो रहा है से, और ये अलग होने या सेपरेशन के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट है या रूल है फ्रॉम का कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में टाइम यानी समय का भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में टाइम या समय का भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, ही वर्क्स फ्रॉम, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक, यानी फ्रॉम जो है ये टाइम को एक्सप्रेसिंग कर रहा है इस सेंटेंस में। रूल नंबर तीन देखते हैं, कंसेप्ट नंबर तीन, फ्रॉम का प्रयोग
से, क्योंकि फ्रॉम का अर्थ से ही होता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में काज का कारण, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में काज कारण की कारण की भाव की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में काज कारण के भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। एज एग्जाम्पल समझे, हिज वाइफ हैज बीन सफरिंग सफरिंग फ्रॉम फीवर हिज वाइफ हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर उसकी वाइफ पत्नी बुखार से, यानी वो सफरिंग पीड़ित हो रही है। कारण क्या है? फीवर। और कारण का पता किसे चला? प्रपोजिशन फ्रॉम से। तो फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में काज कारण के भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और अब देखते हैं रूल नंबर चार। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में ओरिजिन ओरिजिन यानी स्रोत मूल, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में ओरिजिन का भाव की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए किया जाता जाता है। देखिए, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में ओरिजिन का भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। एज एग्जाम्पल समझिए कि दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंच तंत्र दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंच तंत्र ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। तो यहाँ इस स्टोरी का जो ओरिजिन है वो क्या हो गया? पंचतंत्र हो गया। पता किसे चलता है? प्रपोजिशन फ्रॉम से। तो फ्रॉम का प्रयोग ओरिजिन शो करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर पांच कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से दूसरी वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु जिसके गुण भिन्न हो के भाव के रूप की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से दूसरी वस्तु जिसके गुण भिन्न हो, यानी एक वस्तु
दूसरी वस्तु, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाते हैं, तो हम इस भाव के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल नंबर वन, मिल्क। एग्जाम्पल से समझिए, कार इज मेड फ्रॉम मिल्क। कार इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए, मिल्क जो है, इससे मिल्क से हमने दूसरी चीज बनाई। दूसरी चीज बनाई तो उस चीज की क्वालिटी, गुण चेंज हो गए, उसके गुण डिफरेंस हो गए, भिन्न हो गए, अलग हो गए। तो इस प्रकार के भाव के अर्थ के लिए प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जब एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ण इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब दही, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, या दही दूध से बनता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। वुड वुड यानी लकड़ी। अब फर्नीचर जो फर्नीचर है वो वुड से बनता है, या वुड से फर्नीचर बनता है। तो वुड से फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर के गुण अलग हो गए, लकड़ी के गुण अलग होते हैं। जहां क्वालिटी चेंज की बात हो, क्वालिटी चेंज की बात हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बने और क्वालिटी चेंज हो, तो हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक फ्रेज है बहुत यूज में ली जाती है, कंसेप्ट नंबर 6, फ्रॉम टू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है से तक। से तक, फ्रॉम टू से तक। एज एग्जाम्पल, ही स्लिप्स फ्रॉम 10 AM फ्रॉम 10 AM टू। हाँ, ही स्लिप्स है यहाँ, ही स्लिप्स फ्रॉम 10 AM टू 3 PM यानी वह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक सोता है। ही स्लिप्स फ्रॉम 10 AM टू 3 PM ये फ्रेज है फ्रॉम टू, जिसका अर्थ होता है से तक। या मैं कहूँ कि मैं विद्यालय से घर तक जाता हूँ, आई गो फ्रॉम स्कूल टू होम, टू हाउस। इस प्रकार फ्रॉम टू फ्रेज है जिसका से तक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन थ्रू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। थ्रू जब कोई एक छोर से दूसरे छोर को पार करता है, यह कंसेप्ट है थ्रू का, कि जब कोई एक छोर से दूसरे छोर को पार करता है तो थ्रू का प्रयोग किया जाता है। किससे पार करता है? अंदर से पार करता है। जैसे मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक कोई सुरंग है या टनल है, और उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, यहां से लेकर इस छोर से लेकर इस छोर तक इसको पार किया। इसी प्रकार जैसे मार्केट से कोई गुजरता है तो हम उसके लिए, क्योंकि वो मार्केट के इस छोर से इस छोर तक उसको
पार करता है, तो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इफ समवन या समथिंग पास फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, वी यूज प्रपोजिशन थ्रू। ओके, अब देखिए प्रीपोजिशन जो है इसके हिंदी अर्थ इस प्रकार होते हैं, से के माध्यम से के माध्यम से द्वारा या के द्वारा, से के माध्यम से के द्वारा के अर्थ में थ्रू का प्रयोग किया जाता है। से के माध्यम से के द्वारा के अर्थ में प्रपोजिशन थ्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि द बेगर, बेगर यू मीन भिक्षु, द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट। अब भिखारी जो है के द्वारा मार्केट के बीच से के द्वारा गुजरा, यानी बाजार के बीच से गुजरा, भिखारी बाजार के बीच से गुजरा, तो उसने जो मार्केट है उसके इस एंड से लेकर इस एंड तक, यानी फ्रॉम वन एंड टू द अदर के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रपोजिशन थ्रू का। ओके, इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, बाय मींस ऑफ यानी के माध्यम से, या फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, या फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, यानी शुरू से लेकर अंत तक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि द ट्रेन पास्ड थ्रू द टर्मिनल, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, यानी सुरंग से ट्रेन गुजरी तो उसने इस छोर से लेकर इस छोर तक सुरंग को पार किया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल देखिए कि ही न्यू दिस न्यू न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर के माध्यम से इस समाचार को जाना, किसके द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। तो इस प्रकार के द्वारा के अर्थ में और के बीच से के मध्य से के अर्थ में प्रपोजिशन थ्रू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रपोजिशन थ्रू का, कि थ्रू का प्रयोग जब वर्ब के साथ करते हैं तो वर्ब का अर्थ बदल जाता है। जैसे गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, लेकिन इसके साथ हम जोड़ते थ्रू, गेट थ्रू, देन इसका अर्थ क्या हो जाता है पास, यानी गेट थ्रू मतलब उत्तीर्ण होना, पास होना, उत्तीर्ण होना, गेट थ्रू पास उत्तीर्ण होना। जैसे ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर ली या उत्तीर्ण कर ली, तो गेट थ्रू का क्या होता है पास, उत्तीर्ण करना। इसी प्रकार
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नंबर 3, गो थ्रू। गो थ्रू ये भी एक गो वर्ब है, इसके साथ में प्रपोजिशन थ्रू लगा दिया तो वर्ब का अर्थ चेंज हो गया, क्या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, फील महसूस करना, गो थ्रू एक्सपीरियंस या फील महसूस करना। जैसे एज ही वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, थ्रू वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, उसने अनेक कठिनाइयां महसूस की, अनुभव की। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन थ्रू इट। नेक्स्ट देखते हैं थ्रू इट, थ्रू इट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ, इन एवरी पार्ट ऑफ यानी हर जगह है या हर स्थान के भाव की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। थ्रू इट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ यानी हर जगह या हर स्थान के भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इन एवरी पार्ट, चाहे वो टाइम का हो, प्लेस का हो, इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रपोजिशन थ्रू इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, सी वॉज विथ मी थ्रू इट द डे, सी वॉज विथ मी थ्रू इट द डे यानी सी वॉज विथ मी इन एवरी पार्ट ऑफ द डे यानी वह संपूर्ण दिन भर विथ मी मेरे साथ थी। सी वॉज विथ मी थ्रू इट द डे। तो ये था हमारा प्रपोजिशन सेकंड थ्रू इट। अब हम देखते हैं अराउंड और राउंड को। इन
कागज के टुकड़ों के लिए हम यूज में लेंगे अराउंड, ठीक है। और यहां जो हम बैठे हुए हैं इसके लिए यूज में लेते हैं राउंड का। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि they were sitting around the table for dinner. They were sitting round the table for dinner. और दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि the earth moves round the sun. The earth moves round the sun. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब देखिए अराउंड का प्रयोग कि पहला एग्जाम्पल कि the papers were lying around the table, यानी कागज टेबल के चारों ओर गिरे हुए थे या पड़े थे। इस अर्थ में हम अराउंड का प्रयोग करते हैं, ना कि राउंड का। देखिए अराउंड का जो अर्थ है राउंड प्रयोग लगभग के लिए भी किया जाता है। एज एग्जाम्पल देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स in the class. There were around 50 students in the class, यानी कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी थे। तो लगभग के भाव की अभिव्यक्ति के लिए preposition around का प्रयोग किया जाता है। और I hope कि आपने round और around का concept है वो क्लियर कर लिया है। एक बार फिर से हम देखते हैं प्रीपोजिशन विद इन और इन। प्रीपोजिशन विद इन एंड इन, देखिए विद इन का अर्थ होता है कि भीतर या कि अंदर, के भीतर या के अंदर, इसके अर्थ है प्रीपोजिशन विद इन के भीतर या के अंदर के भाव की अभिव्यक्ति के लिए विद इन का यूज किया जाता है, किया जाता है। विदिन के भीतर के अंदर के भाव की अभिव्यक्ति के लिए विदिन का यूज किया जाता है। और इस अर्थ में ये स्थान और समय की अभिव्यक्ति करता है। एज शी विल कंप्लीट, शी विल कंप्लीट हर जॉब विद इन एन आवर। शी विल कंप्लीट हर जॉब विद इन एन आवर, वह एक घंटे के भीतर अपना कार्य कंप्लीट कर लेगी, यानी
एक घंटे के भीतर, ठीक है। इसी प्रकार हम इनका प्रयोग करके लिखते हैं, जैसे सी विल कंप्लीट, शी विल कंप्लीट हर जॉब इन एन आवर, वह एक घंटे के भीतर अपना कार्य पूर्ण कर लेगी, वह एक घंटे में अपना कार्य पूर्ण कर लेगी। दोनों में अंतर क्या है, आइए देखते हैं कि विदिन जो है, विदिन का प्रयोग बिफोर दी एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। बिफोर दी एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनका प्रयोग जो है वो एट दी एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एट दी एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड एट दी एंड मतलब एग्जैक्ट टाइम, एक घंटे के अंदर। सी विल कंप्लीट हर जॉब इन एन आवर का मतलब है कि वह एग्जैक्ट टाइम लेगी, यानी पूरा एक घंटा लेके अपने कार्य को कंप्लीट करने में। और यहां सी विल कंप्लीट हर जॉब विद इन एन आवर, इसका मतलब ये हुआ बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक घंटे से पहले ही वह अपना कार्य कंप्लीट कर लेगी। मानो उसको चाहे 45 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, 55 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, लेकिन उसको एक घंटा नहीं लगेगा। और यहाँ ये डेफिनेट है कि उसको कार्य करने में एक घंटा लगने वाला है। सी कांट डू हर जॉब विद इन एन आवर, वह एक घंटे से पहले अपना काम पूर्ण नहीं करने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि विजेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह अपने प्रतिद्वंदी को, एक घंटे के भीतर हरा देंगे, क्योंकि वो 60 मिनट नहीं लेने वाले है पूरी, वो उसको 35-40-45 मिनट के अंदर अंदर ही डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। तो विदिन और इन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उम्मीद है आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं विदिन का नेक्स्ट यूज। कैपेबिलिटी या लिमिटेशन कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य, और लिमिटेशन सीमा या हद के। विदिन का प्रयोग यूज के अंदर के अर्थ में कैपेबिलिटी या लिमिटेशन के भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे एज एग्जांपल से समझिए कि वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम। वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम, यानी हमें हमारे खर्चे हैं वो इनकम आय के भीतर रखना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल देखिए लिमिटेशन का, कि रतनगढ़
junction is within 30 kilometer from here. Ratnagar junction is within 30 kilometer from here. यानी रतनगढ़ जंक्शन यहाँ से 30 किलोमीटर के भीतरी है, यानी 30 से ज्यादा नहीं है, 20 है या 25 है, 27-28 हो सकता है, लेकिन इट इज विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और रिक्वेस्ट कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें. थैंक्स अगेन.